Devil Gaming Global Spoken English। हेलो दोस्तों, तो आपका मोस्ट वेलकम है ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश में। पर्राटेदार अंग्रेजी बोलने के लिए आप तैयार हो जाइए। हाँ, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम दो लोग जब बातें करता है करने होता है कम्युनिकेशन करना होता है तो हम कैसे करते हैं, कि इंग्लिश के विषय में कैसे बातें करनी है। तो यूज ऑफ इज एम आर को हम लोग प्रश्न में सवाल में कैसे प्रयोग करने वाले हैं, आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और आपको जरूर इससे भरपूर फायदा मिलने वाला है। देखिए, अगर हम किसी भी सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब वगैरह जो होता है स्टार्टिंग में रखते हैं। जैसे कि पहले आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आप लिंकिंग वर्ब इज या एम या आर को रखेंगे, उसके बाद में आप सब्जेक्ट कहने वाले हैं और सब्जेक्ट के बाद में अगर ना कहना है तो नॉट लगा देंगे, नाउन या एडजेक्टिव प्रयोग करने वाले हैं। इसकी एग्जांपल हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग कन्वर्सेशन पे आगे पहले बढ़ेंगे। तो पहले क्या है आपका, जैसे हमने कहा कि क्या वो एक डॉक्टर है तो क्या कहेंगे, इज ही अ डॉक्टर। और क्या वो डॉक्टर नहीं है, इज ही नॉट अ डॉक्टर। अगर हमने ये कहा क्या वे डॉक्टर हैं तो क्या बोलेंगे आप, आर दे डॉक्टर्स। और क्या वे डॉक्टर नहीं है, आर दे नॉट डॉक्टर्स। इस तरह हमने कहा कि अब मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो देखिएगा जो यू का वर्ड हम प्रयोग करने वाले हैं, तो यू का होता है ये कभी सिंगुलर होता है कभी प्लूरल होता है सामने वाला। जैसे आप मेरे मुझे देख रहे हैं तो हमने कहा कि क्या आप डॉक्टर हैं, तो अगर एक होंगे तो हम कहेंगे आर यू अ डॉक्टर। लेकिन मेरे सामने कई लोग बैठे हुए हैं, हमें सब लोगों से जानना है कि क्या आप डॉक्टर्स हैं, तो क्या बोलूंगा, आर यू डॉक्टर्स। हाँ दोस्तों, तो कोई भी सेंटेंस हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमें पहले इज अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एम अगर आई है प्लूरल है या यू का वर्ड है आपका, तो आर को पहले लेकर के आने वाले। देखिए इसी वीडियो में आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। जैसे हमने कहा कि क्या आप स्टूडेंट हैं तो क्या कहेंगे, आर यू आई स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या बोलेंगे, एस आई एम अ स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो कहेंगे मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, तो बोलेंगे नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। हमने कहा कि ये बताइए कि क्या आप सर्वेंट हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, आर यू अ सर्वेंट। अगर आप हैं तो बोलेंगे एस आई एम सर्वेंट। अगर आपको कहना है नहीं मैं सर्वेंट नहीं हूं, नो आई एम नॉट सर्वेंट। हमने आपसे पूछा कि क्या आप बेचने वाले हैं तो क्या बोलेंगे, आर यू सेलर। बात समझ आ रही है ना, तो आर यू सेलर मतलब क्या आप बेचने वाले हैं। अगर आप एक बेचने वाले हैं तो क्या बोलेंगे कि हाँ मैं एक बेचने वाला हूं, एस आई एम अ सेलर। मैं बेचने वाला नहीं हूं, नो आई एम नॉट सेलर। हमने कहा कि क्या तुम चोर हो, क्या जाएगा, आर यू अ थीफ। अगर आप हैं तो बोलेंगे यस आई एम अ थीफ, अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो आई एम नॉट अ थीफ, मैं चोर नहीं हूं। क्या आप पुलिस हैं, आर यू पुलिस, यस आई एम पुलिस। अगर नहीं तो बोलेंगे नो आई एम नॉट पुलिस। क्या आप एक किसान हैं, आर यू अ फार्मर, हैं तो क्या बोलेंगे, यस आई एम अ फार्मर। अगर आप नहीं है तो बोलेंगे नो आई एम नॉट अ फार्मर, क्या तुम कंजूस हो, आर यू माइजर। अगर है तो बोलेंगे आप यस आई एम माइजर, अगर नहीं है तो नो आई एम नॉट माइजर। हमने कहा आपसे कि आर यू राजू, अगर आप हैं तो क्या बोलेंगे, यस आई एम राजू। अगर आपको कहना है कि मैं राजू नहीं हूं तो क्या कहते हैं आप, नो आई एम नॉट राजू। ने कहा कि आप ठीक हैं, आर यू फाइन, क्या कहते हैं आप, यस आई एम फाइन। और मैं ठीक नहीं हूं तो नो आई एम नॉट फाइन। अगर हम किसी सिंगुलर के बारे में बात करते हैं, उन्होंने कहा कि क्या वो ईमानदार है तो क्या हो जाएगा, Is he honest? और अगर है तो बोलेंगे Yes, he is honest. अगर वो नहीं है तो No, he is not honest.
वो ईमानदार नहीं है। क्या वो टीचर है? ये कोई व्यक्ति है तो क्या बोलेंगे, इज ही अ टीचर। अगर है, अगर आप कहना चाहते हैं कि हाँ वो एक टीचर है तो यस ही इज अ टीचर, अगर नहीं है तो नो ही इज नॉट अ टीचर। अगर आप इस तरह कहना चाहते हैं कि क्या वो तुम्हारी दोस्त है, फीमेल है, तो क्या बोलेंगे, इज शी योर फ्रेंड, अगर है तो यस शी इज माय फ्रेंड, अगर नहीं है तो नो शी इज नॉट माय फ्रेंड। क्या तुम्हारा दोस्त डॉक्टर है? इज योर फ्रेंड अ डॉक्टर? हाँ दोस्तों, इसको गौर से सुनिएगा, इसलिए कि हमारे स्टूडेंट इसमें कभी कभी मैं देखता हूँ मिस्टेक करते हैं। जैसे हमने कहा क्या तुम्हारा दोस्त डॉक्टर है, तो इज योर फ्रेंड की जगह पे आर योर फ्रेंड पे देते हैं। इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है क्योंकि योर ना तो सिंगुलर होता है ना तो प्लूरल होता है। आपको ये बात याद रखनी है, योर कुछ नहीं है, योर के बाद में हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि क्या तुम्हारा दोस्त तो मैनेजर है, तो तुम्हारा दोस्त सिंगल है ना, तो इज कहेंगे, इज योर फ्रेंड मैनेजर। अगर आप कहना चाहते हैं कि हाँ मेरा दोस्त मैनेजर है तो क्या बोलेंगे, यस माय फ्रेंड इज मैनेजर। अगर आपका दोस्त मैनेजर नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो माय फ्रेंड इज नॉट मैनेजर। हमने कहा कि क्या तुम्हारा पड़ोसी चोर है, तो क्या हो जाएगा, इज योर नेबर थीफ। अगर आप कहना चाहते हाँ मेरा पड़ोसी चोर है तो यस माय नेबर इज थीफ, हाँ मेरा पड़ोसी चोर है। अगर आप कहना चाहते हैं कि नहीं मेरा पड़ोसी चोर नहीं है, नो माय नेबर इज नॉट थीफ। क्या तुम्हारे चाचा पुलिस है, इज योर अंकल पुलिस। आप कहना चाहते हाँ मेरे चाचा पुलिस हैं तो क्या बोलेंगे, यस माय अंकल इज पुलिस। अगर आपके चाचा पुलिस नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो माय अंकल इज नॉट पुलिस। तो हम इस तरह से आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आपसे हम बातें करते हैं, तो आप पहले आर यू कहने वाले हैं, चाहे सामने वाला सिंगल व्यक्ति हो या प्लूरल हो। जैसे मैं इसको दोनों को एग्जांपल में समझाऊं, जैसे हमने कहा क्या तुम स्टूडेंट हो, आर यू स्टूडेंट एक व्यक्ति है, अगर कई सारे लोग बैठे हुए हैं तो मैं कहूंगा आर यू स्टूडेंट्स। तो हम एक व्यक्ति से कुछ बातें करते हैं, एग्जाम्पल में करते हैं, तो हमने आपसे कहा कि क्या बताइए कि आप पागल हैं, आर यू मैड। नो आई एम नॉट मैड, मैं पागल नहीं हूं। कहा क्या तुम इंटेलिजेंट हो, आर यू इंटेलिजेंट, है बोलने वाले हैं आप तो, यस आई एम इंटेलिजेंट, अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो आई एम नॉट इंटेलिजेंट। तुम सही हो, आर यू जेनरस, यस आई एम जेनरस, अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो आई एम नॉट जेनरस। क्या तुम मेहनती हो, क्या हो जाएगा, आर यू लेबोरियस, यस आई एम लेबोरियस। आर यू डॉक्टर, यस आई एम डॉक्टर। आर यू गुड बॉय, या श्योर आई एम गुड बॉय। दोस्तों इस तरह से आप इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल को चार तरीके से बता देता हूं थोड़ा और आपके लिए क्लियर हो जाए। जैसे हमने कहा कि वो डॉक्टर है तो ही इज अ डॉक्टर, अफर्मेटिव द सेंटेंस। नेगेटिव का वो डॉक्टर नहीं, ही इज नॉट अ डॉक्टर, मतलब कहना है क्या डॉक्टर है तो इज ही अ डॉक्टर, और क्या डॉक्टर है तो इज ही नॉट अ डॉक्टर। ओके दोस्तों, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब मेरे चैनल करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।